दोस्तों वेब सीरीज मस्त राम में अपने बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीत चुकी रानी चटर्जी ने आखिर में सलमान के लिए क्यों कह दी ये बात कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान से और उसके साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकारा यानी कि रानी चटर्जी से। दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों सलमान खान यानी कि भैया हम सब के भाईजान यूट्यूब पर धमाल मचाए हुए हैं, यानी कि उन्होंने जब से यूट्यूब पर अपना चैनल खोला है उसके बाद से उनकी फॉलोअर्स की संख्या बढ़ते जा रही है इस सोशल नेटवर्किंग साइट पर। और भैया सलमान खान के अब तक 3 गाने इस पर लोड किए जा चुके हैं और तीनों गाने इन दिनों काफी धमाल मचा रहे हैं और खासतौर पर हाल फिलहाल में अभी जो गाना सलमान खान ने अपलोड किया था यूट्यूब पर यानी कि भैया भाई भाई वो तो लोगों को काफी पसंद आया, यानी कि भैया अब तक इस गाने को 26 मिलियन लोगों ने देख लिया और उसके साथ इस गाने को 2.7 मिलियन लाइक भी मिले और उसके साथ भाई डिसलाइक करने वाले 1,64,000 ये लोग कौन है इसके बारे में आप खुद अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिएगा। लेकिन रानी चटर्जी ने आखिर में क्यों बोला सलमान खान को मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, तो चलिए आपको बताता हूं। तो दोस्तों रानी चटर्जी को भी सलमान खान का यह गाना काफी पसंद आया और उसके लिए उन्होंने सलमान खान को थैंक्स कहते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूं सलमान सर, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। मैं जानती हूं कि यह गाना आज के समय को ध्यान में रखकर आपने बनाया है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा कि हमारी आने वाली नस्लों को इंसानियत सीखनी चाहिए और हिंदू मुस्लिम से आगे बढ़कर सोचना चाहिए, इसी से हमारा देश आगे बढ़ सकता है, ना कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से। यानी कि भैया उनको ये गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी दिल की बात सबके सामने रख दी कि भैया सलमान खान मैं आपसे प्यार करती हूं और आपने जो मैसेज दिया है वो वाकई में इस समाज के लिए काफी अच्छा है। और इसके साथ उन्होंने लोगों से ये अपील भी की है कि भाई इस गाने को इतना शेयर करो ताकि लोग इस गाने को देखें और उसके साथ समझे कि भैया आखिर में सलमान खान ने हम लोगों को क्या मैसेज देने की कोशिश की है आज के परिवेश को देखते हुए। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि रानी चटर्जी ने जो बात कही है सलमान खान के लिए वो तो आपके दिल में भी होगी ना कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं या फिर करती हूं, यानी कि भैया जिसने भी सलमान खान के इस गाने को देखा होगा वो यही बात बोलता होगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।